Welcome back to MJ Vlogs. Another episode is here and today we'll be going to Vrindavan via Govardhan Hills. Govardhan Hills हम पहले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा किसी ने बोला था कि वृंदावन जाने से पहले हमेशा गोवर्धन जाना चाहिए बिकॉज तभी आपकी जो है जर्नी पूरी होती है या फिर जो आपकी मन्नत होती है वो पूरी होती है. मेरी कोई मन्नत है नहीं बट फिर भी एटलीस्ट आई लिसन टू माई फ्रेंड एंड गो टू गोवर्धन हिल्स. यहाँ से दो रास्ते जाते हैं दिल्ली से एंड दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम डिस्टेंस है. हाउएवर नोएडा वाला जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा छोटा पड़ता है बिकॉज वहाँ की जो रोड्स हैं थोड़ी ब्रॉड हैं एंड ट्रैफिक भी कम मिलता है. फरीदाबाद वाला रूट भी आप ले सकते हैं मगर फरीदाबाद वाले रूट में ये होता है ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा मिलेगा. वो बदरपुर वाला जो रास्ता होता है तो मैं आपको नोएडा वाला रास्ता दिखाऊंगा एंड यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली गोवर्धन हिल्स 170 किलोमीटर्स पड़ेगा एंड अभी बच गए हैं 9. सो लेट्स गो. आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उस ब्लॉग में बताया था कि हम लैपटॉप देख रहे थे तो मैंने एक लैपटॉप खरीद लिया है असूस का तो उसका भी रिव्यू मैं आपको थोड़े टाइम में दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट ब्लॉग. सो स्टे ट्यून्ड. जो लैपटॉप है उसमें दो स्क्रीन्स हैं जैसे सैमसंग का आजकल गैलेक्सी फोल्ड निकला हुआ. द कॉन्सेप्ट इज समवॉट लाइक दिस. सो आई विल शो यू दैट इन द नेक्स्ट ब्लॉग. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो टू वृंदावन. इट्स वन ऑफ द मोस्ट होली प्लेसेस इन इंडिया एंड यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो ज़्यादातर अब्रॉड से आते हैं. They love this place, the food, the culture and everything. So let's go and see Vrindavan. ये है यमुना एक्सप्रेसवे जिसे ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है. It is 165 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग ग्रेटर नोएडा विद आगरा इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इस एक्सप्रेसवे को बनाने की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 128 बिलियन रुपए थी. वृंदावन की टोल की कॉस्ट 275 रुपीज़ है जो कि मथुरा तक भी आप यूज़ कर सकते हैं और आगरा तक के 415 रुपए. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट लूज द टिकट क्योंकि वो आगे जाके चेक होती है. तो अगर से आप आगरा तक जा रहे हैं तो आपको एक टिकट मिलेगी मगर आपको टोल बीच में दो और मिलेंगे जहाँ पे आपकी टिकट की चेकिंग होती है. और अगर वृंदावन तक जा रहे हैं तो आपको एक चेकिंग और मिलेगी जहाँ पे टोल पे आपको दोबारा से टिकट दिखानी पड़ेगी. इन टोल्स पे अभी तक फास्टैग सिस्टम नहीं आया है तो अगर से आपकी गाड़ी में फास्टैग का टैग है तो भी कोई यूज़ नहीं है बिकॉज यहाँ पे आपको कैश से ही पे करना पड़ेगा. तो कैसा लगा आपको एक्सप्रेसवे? एक्सप्रेसवे हैज़ 4 लेन. सबसे लेफ्ट वाली जो लेन थी वो पार्किंग के लिए होती है कि अगर आपको कभी स्टॉप करना हो बीच में कुछ काम हो तो वहाँ पे जाके पार्क कर लें. उसके बाद जो सबसे राइट वाली लेन थी वो ओवरटेकिंग के लिए. तो हम तो अपनी गाड़ी स्लो चला रहे थे 100 की स्पीड लिमिट थी बट मैंने ये देखा था जो लोग फॉर्चुनर या फिर ऊँची SUVs में आते हैं वो तो 150 160 की स्पीड पर सुक करके निकल जाते हैं. वृंदावन का जो कट है ये एक्सप्रेसवे पे पड़ता है और वहीं पे ये जो फूड कोर्ट है जहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी है सबवे है पिज़्ज़ा हट. तो मेन्यू मैं आपको दिखाता हूँ. इट्स अ वेरी नाइस प्लेस एंड यहाँ के जो वॉशरूम्स हैं वो बहुत क्लीन है नीट है. अगर से आपको स्टॉपेज करना हो दिल्ली से निकल के 2 घंटे बाद तो यहाँ पे कर सकते हैं. बहुत ही सुंदर जगह है सुंदर. और मैं सोच रहा हूँ यार एक चश्मा और ले लूँ यहाँ पे तो बहुत धूप है. अगर आपने मेरा जयपुर का ब्लॉग देखा होगा तो मैं 100 रुपये वाले चश्मे लेता हूँ जो कि टूट जाते हैं क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है और तोड़ देता सारे के सारे. तो मैं 100 रुपये वाले लेता हूँ महंगे वाले लेके फ़ायदा नहीं है. एक टूट चुका है मैं भुग चुका हूँ. तो चलो लेट्स गो इनसाइड एंड आई विल शो यू इनसाइड द मेन्यू एंड एवरीथिंग. दिस फूड कोर्ट इज राइट एट द एग्जिट ऑफ वृंदावन ऑन द एक्सप्रेस वे. वृंदावन के लिए यू टर्न लेते टाइम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं. दिस प्लेस इज वेरी हाइजीनिक एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्लीनिनेस. मैंने यहाँ से डोसा की काफ़ी वैरायटीज ट्राई की थी और मुझे यहाँ का डोसा बहुत पसंद आया था. इफ़ यू हैपन टू गो टू दिस प्लेस यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टेस्ट द वाटरमेलन जूस. यहाँ का वाटरमेलन जूस इतना अच्छा था कि हमने रिटर्न में भी यहीं पे स्टॉप किया था और सेम वाटरमेलन जूस पिया था. यह है इस फूड कोर्ट का फुल मेन्यू. देयर इज ऑल्सो इन एडिशन अ पिकानोस चैट कैफे एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अ गैस स्टेशन. यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है. फ्रॉम दिस फूड कोर्ट गोवर्धन हिल्स एंड वृंदावन आर इन द सेम डिस्टेंस. इट शुड टेक यू अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स इन योर कार डिपेंडिंग अपॉन वन्स ड्राइविंग स्पीड. आई चोज टू गो टू गोवर्धन हिल्स फर्स्ट. गोवर्धन हिल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज माउंट गोवर्धना और गिरिराज. इट इज़ अ सीक्रेट हिंदू साइट इन मथुरा इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. हाँ तो मैंने अभी बताया था ना आपको कि गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही हैं उसमें से एक ये गाड़ी थी. बड़ी स्पीड में जा रही थी. कोई नहीं किसी दिन इसमें भी आएंगे हम. इसमें तो नहीं सेडान तो नहीं होगा एटलीस्ट SUV में आएंगे किसी दिन. अब हो गया है हमारा यहाँ से पेट पूजा एंड अब हम यहाँ से जाएंगे वृंदावन. पहले हम जाएंगे गोवर्धन हिल्स फिर उसके बाद हम जाएंगे होटल
तो मैं आपको होटल भी दिखाऊंगा कौन सा बुक करा है। इट्स एक्चुअली अ रिजॉर्ट विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ऑनलाइन तो बहुत अच्छा लगा था। लेट्स गो एंड लेट्स फाइंड आउट। ये है पीछे जो देख रहे हैं आप गोवर्धन हिल, और ये वृंदावन से अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे ऐसे भैया मिलते हैं। पंडित जी आप भैया? हाँ, तो आप यहाँ पर आएंगे तो ऐसे भैया मिल जाएंगे या फिर पंडित जी मिल जाएंगे। जो कितने रुपए लेते हो? हम लेते हैं गाड़ी से कराते हैं 250 रुपए लेते हैं। परिक्रमा एक्चुअल में होती है 21 किलोमीटर की, मगर 21 किलोमीटर आप चलते चलते तो पागल हो जाओगे, मगर बहुत से लोग होते हैं जो चलते हैं, आप गाड़ी से भी कर सकते हैं। तो ये भैया जो हैं ऐसे 250 रुपीस लेंगे और ये आपको गाड़ी में यहाँ पे लेके आ जाएंगे और ये परिक्रमा करवा देंगे, है ना? कुछ बोल दो। यहाँ का इतिहास ही बताएंगे। हाँ, और मेरा नाम जो है पंडित हरिओम पुरोहित है। हम यहाँ के जो है मंदिर गांगाटी मंदिर के सेवायत हैं, पुजारी हैं। चलो अच्छी बात। बोलो बरसाने बारी की जय। सात बार धरती को नमन करो। गोवर्धन हिल्स की परिक्रमा करीब 21 किलोमीटर की है, जो कि कार से भी करी जा सकती है। मैंने यहाँ की परिक्रमा कार से ही करी थी और इन पंडित जी के साथ करी थी जो अभी आपको दिखे थे। यहाँ पर लोग पैदल भी एक परिक्रमा करते हैं, मगर मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि यहाँ पर जो पैदल परिक्रमा करते हैं वो नंगे पांव करते हैं, चप्पल या जूते नहीं पहनते हैं। जब आप परिक्रमा कर रहे होंगे तो ऐसे बहुत सारे मंदिर आते हैं यहाँ पे ऑन द वे, क्योंकि 21 किलोमीटर्स की जो परिक्रमा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे बंदर बहुत होते हैं, तो ध्यान रखना कुछ भी आपके हाथ में खाने के लिए लाओ, नहीं तो वेलकम एंड स्नैच। तो एक ये मंदिर है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे बहुत सारी गायें भी होती है, ये देखो। एंड बंदर भी होते हैं, बंदर बहुत सारे हैं एंड यहाँ पे चीजें छीन लेते हैं। 21 किलोमीटर की लंबी परिक्रमा में आपको बहुत सारे मंदिर बीच बीच में मिलते हैं, और अगर से आप डिसाइड करते हैं कि हर एक मंदिर को विजिट करना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप चप्पल या जूते उतार के जाएं। तो इसलिए मेरा ये सजेशन होगा कि आप घर से ही चप्पल पहन के निकलें, ताकि आपको कोई हैसल ना हो जूते बार बार निकालने में। यहाँ जूते चप्पल मिसप्लेस होना बहुत कॉमन सी बात है, और बंदर भी यहाँ से जूते चप्पल उठा के लेके जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेर यू प्लेस देम। दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ गोवर्धन हिल्स, विच इज़ 25 मीटर और 80 फीट हाई। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गोवर्धन हिल्स को गिरिराज भी कहा जाता है, और ये है गिरिराज जी महाराज का टेम्पल जहाँ पे हमने दूध चढ़ाया था। ये है राधाकुंड श्यामकुंड, जिस साइड मैं खड़ा हूँ ये है राधाकुंड, और ऑपोजिट साइड पे है श्यामकुंड। एंड इसकी भी परिक्रमा करी जा सकती है ऐसे यहाँ से उतर के। तो ये परिक्रमा का लास्ट स्टॉप था, 21 किलोमीटर की परिक्रमा। आई होप आप भी कर पाएं। इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस। कार से करी मैंने, तो पैदल तो कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे। अब हम जाएंगे अपने होटल, वहाँ जाके आपको फिर होटल का रिव्यू भी देंगे। यहाँ से होटल अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स दूर है। ये गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं। यहाँ पे मेरे हाथ में आईडी भी है, यहाँ पे साथ में इसका मैं हाथ नहीं छोड़ रहा क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत हैं। काओ भी है, बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। चलो लेट्स गो टू द होटल। ये है कुसुम सरोवर, जो कि हमारा लास्ट स्टॉप था गोवर्धन हिल्स में। इट इज़ अ हिस्टोरिकल सैंडस्टोन मॉन्यूमेंट बिटवीन मानसी गंगा एंड राधाकुंड। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे होटल क्लार्क्स इन। द रीज़न आई बुक दिस होटल वॉज बिकॉज इट वॉज अ रिजॉर्ट एक्चुअली, इट्स नॉट अ होटल। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा प्ले ग्राउंड टाइप जैसा है, यहाँ की ग्रास बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने यहाँ पे बुक किया था। मैं अपनी फुटबॉल भी लेके आया हूँ, थोड़ी देर खेलेंगे आईडी के साथ। ये वैसे आप बाहर से देखोगे तो इट वुड लुक लाइक एन अपार्टमेंट, रिजॉर्ट डिफरेंट होता है। रिजॉर्ट के लिए अगर आपको देखना है ना, थोड़ा टाइम वेट करो, जून तक आई बी गोइंग टू केरला। एंड केरला तो मैंने इतना घुमा हुआ है पहले, बट मैंने पहले ब्लॉग्स नहीं बनाए थे। बट अगर आपको केरला देखना है एंड जैसे मैं आपको दिखाऊंगा केरला का अंदर एंड बाहर ऊपर से नीचे तक सब कुछ, जस्ट वेट टिल जून एंड आई विल शो यू ऑल द ब्लॉग्स विच विल बी रिलेटेड टू केरला। एंड ऐसे ब्लॉग्स होंगे जो आपने कभी भी नहीं देखा, रिजॉर्ट्स देयर एंड एवरीथिंग एल्स, फिशिंग से लेके खाने से लेके पीने तक, एवरीथिंग अबाउट केरला विल बी कवर्ड। जून तक वेट कर लो। वृंदावन में इट्स नॉट नेसेसरी टू बुक एन एक्सपेंसिव होटल और रिजॉर्ट,
यहाँ पे लॉज भी अवेलेबल है जो कि 400 से 500 रुपए पर नाइट चार्ज करते हैं। लॉज बुक करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो सारे लॉजेस जो है बिल्कुल पास होते हैं मंदिर के। ये तो बिंदी सी लग रही है, आपके जैसे लगाना था, जैसे लंबा सा था, लंबे वाला लगा, लंबे वाला। चलो तिलक भी लगा लिया यहाँ पर आके। वाओ, क्या तिलक लगा लिया। और हमारा रूम है इधर पर्ल बिल्डिंग में। लॉज बुक करने का अपना डिसएडवांटेज भी होता है कि वहाँ पे भीड़ बहुत होती है एंड बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, इवन दो वो मंदिर के पास होता है। बाकी बिहारी जाने के लिए जब मंदिर खुला होता है तो ये पीछे जो देख रहे हो यहाँ पे बैरियर्स लग जाते हैं, नो एंट्री हो जाती है, और फिर यहाँ से हमें इधर पार्किंग करनी पड़ती है। यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहाँ पे पार्क करके फिर यहाँ से ये रिक्शा वाले करने पड़ते हैं, फिर यहाँ से हम आगे जाते हैं बांके बिहारी टेम्पल, प्रेम मंदिर और निधिवन। तो अब बांके बिहारी टेम्पल जो है 8 बजे तक खुला है, तो 8 बजे तक यहाँ पे नो एंट्री रहेगी और सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क होती है। यहाँ से प्लान तो हमारा जाने का था सबसे पहले बांके बिहारी टेम्पल, बट फिर यहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि निधिवन जो है वो 7 बजे बंद हो जाता है। लोकल्स हियर से दैट दोस हू स्नीक आउट एट नाइट टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द रास लीला ईदर लूज देयर मेंटल बैलेंस, गो डंप और डाई इन शॉक। निधिवन की गलियाँ बहुत ही छोटी छोटी होती हैं जहाँ पे आजू और बाजू में बहुत सारी शॉप्स होती हैं। द रेसिडेंट्स ऑफ निधिवन आर डीपली रिलीजियस पीपल हु बिलीव दैट द लॉर्ड डज नॉट अप्रिशिएट डिस्टर्बेंसेज ड्यूरिंग रास लीला, हेंस निधिवन क्लोजेस एट 7:30 एंड एवरीवन स्टेज इनडोर एट नाइट। निधिवन से 1 किलोमीटर दूर है बांके बिहारी टेम्पल, जो कि ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती है इस पर आप आओगे तो आपसे 50 रुपये चार्ज करेगा एंड बहुत भीड़ होती है। निधिवन यू हैव टू मेक श्योर कि आप 7:30 बजे से पहले जाएं, क्योंकि 7:30 बजे से पहले के बाद बंद हो जाता है। ये है बांके बिहारी मंदिर की एंट्रेंस। ये रास्ता बांके बिहारी टेम्पल जाता है, यहाँ की गलियाँ भी बहुत छोटी छोटी है। बांके बिहारी टेम्पल में भी भीड़ बहुत होती है जो कि आपको आगे वीडियो में दिखेगा, और आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपके वॉलेट और वैल्यूएबल्स बहुत ध्यान से रखें, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं होता कि सामान कब इधर से उधर हो जाए। मैं 10 अप्रैल को यहाँ गया था और अगले ही दिन कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे एक ऑर्डर आ गया था जिसमें एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। हमारा देश जुगाड़ से चलता है और यहाँ पे भी भीड़ से बचने के लिए एक जुगाड़ उपलब्ध है। ऐसे पंडित जी आपको मिलेंगे जो कि 100-100 रुपये पर पर्सन चार्ज करेंगे और आपको ये भीड़ से अवॉइड करवा देंगे। ये ऐसी ऐसी गलियों से लेके जाएंगे और सीधा मंदिर लेके जाएंगे, और दर्शन के लिए भी कोई लाइन नहीं लगना पड़ेगा। बंदर का प्रकोप यहाँ पे भी जारी रहेगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये है प्रेम मंदिर जो बांके बिहारी मंदिर से अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स दूर है। वो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होती है उसमें आ जाओ आप, टुक टुक कर लो छोटा सा नन्ना सा, एंड यहाँ पे भीड़ देख लो, बहुत ही सुंदर भीड़, हर जगह भीड़ है यहाँ पे। प्रेम मंदिर इज अनदर हिंदू टेम्पल विच इज मेंटेन्ड बाय एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल स्पिरिचुअल चैरिटेबल ट्रस्ट। दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑन 55-acre साइट। इट इज स्पेशली डेडिकेटेड टू राधा कृष्णा एंड सीताराम। राधा कृष्णा आर ऑन द फर्स्ट लेवल एंड सीताराम आर ऑन द सेकेंड लेवल। The temple structure was established by the 5th Jagatguru, Kripalu Maharaj ji. Figures of Sri Krishna and his followers depicting important events surrounding the Lord's existence covered the main temple. Prem Mandir looks magnificent at night with all the lights switched on. These lights keeps on changing colors and gives a soothing experience to our eyes. तो ये था प्रेम मंदिर का टूर छोटा सा, एंड यहाँ पे आप देखोगे मेरे आगे गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण जी ने उठाया हुआ था उसको डिपिक्ट करा हुआ है बाय वे ऑफ स्टैचूज। ये देखो मैं आपको कैमरा घुमाता हूँ, दिखाता हूँ।
तो अब हम पहुंच गए हैं अपने होटल। मैंने बस अभी चेंज किया है, अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल था, हाउएवर व्लॉग्स में लगा नहीं होगा, बट बहुत टायरिंग था एंड सब बहुत थक गए। सबसे पहले हम गोवर्धन गए, वहाँ की 21 किलोमीटर की हमें परिक्रमा करी। उसके बाद फिर वहाँ से आगे हम आए बांके बिहारी मंदिर की तरफ, मगर हमने सबसे पहले कवर किया था निधिवन, उसके बाद बांके बिहारी मंदिर, और उसके बाद हमने प्रेम मंदिर कवर करा था, क्योंकि निधिवन जो है 7:30 बजे बंद हो जाता है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि डिनर इंक्लूडिंग था, तो मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। आई होप कि अच्छा हो, मुझे रूम तो इतना खास नहीं लगा। अगर से किसी को मुझे रिव्यू देना हो कि यहाँ पर आके स्टे करें, तो थोड़ा नेगेटिव ही होगा, चाहे 4 स्टार है, फिर भी इट्स काइंड ऑफ एन ओके प्लेस, यू कैन कम, बट देन आई वुड नॉट रेकमेंड टू। चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, लेट्स सी, आई होप कि फूड अच्छा हो यहाँ का। रात में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू डे 2 ऑफ द व्लॉग। अभी सुबह के 7 बजे हैं, धूप बहुत ज़्यादा है एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आज मैंने सुबह न्यूज़ देखी थी, तो कोविड के जो न्यू केसेस थे वो अप्रॉक्सीमेटली 1,35,000 थे ऑल ओवर इंडिया में। आपने देखा हो कल जो भीड़ थी यहाँ पे, तो कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अगर से आते हो तो बहुत ध्यान रखना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बंदरों से भी एंड कोविड से भी। ये है मेरे होटल की बालकनी, रिजॉर्ट की बालकनी। बहुत धूप है, 7 बज गए, तो आज हम जाएंगे इस्कॉन। और हाँ, कल का जो डिनर था वो भी बहुत अच्छा था, तो मैं मेन्यू अगर दिखाता हूँ, मेन्यू में दिखाता हूँ। ब्रेकफास्ट करने जाएंगे अभी, ब्रेकफास्ट भी हमारे मेन प्लान में इंक्लूडेड था। और आज हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल एंड उसके आसपास कोई और अट्रैक्शंस होंगी तो वहाँ पर भी कवर कर लेंगे। तो चलो पहले ब्रेकफास्ट करने चलते हैं एंड आई विल शो यू द मेन्यू एज़ वेल। मैं हमारा 3 साल का तो लौंडा बड़ा ही शैतान है, जहाँ लेके आओ कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता रहता है। ये देखो अब लोअर गीला कर लिया, अब चेंज करते रहो, यही काम रह गया बाप का। अब जाओ रूम में, एडी बस कर। ये है पार्किंग एरिया और यहाँ से हम जाते हैं इस्कॉन, और हमारे होटल से ये पार्किंग एरिया अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर्स पे। और अब आप लगाओ मेरे को ये तिलक, यहाँ आओ ना, और पहले मुझे किधर आओ, मेरे पास आओ, पहले मुझे बताओ कि स्कूल जाते हो हैं, कौन से स्कूल जाते हो, कौन से स्कूल जाते हो, पता है ना स्कूल नहीं जाते ना तुम सब, है ना। रेड वाला। कभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा आया तो मैं ऐसे बच्चों को घर ज़रूर लेके दे दूँगा, जितने भी इंडिया में गरीब हैं। कभी ज़िंदगी में इतना सारा पैसा आया तो तुम्हारे लिए मैं घर पक्का बनवा के दे दूँगा, और अलॉन्ग विद नौकरियाँ। तो लेट्स गो टू इस्कॉन टेम्पल फर्स्ट। अब हम पहुँच गए हैं इस्कॉन टेम्पल, जो कि मेरे बिल्कुल पीछे है, ये रहा। अभी मैं जब रिकॉर्डिंग बनाना था तो एक बंदा मुझसे पूछता है कि भाई साहब आपके पास इतना पैसा आ जाएगा तो आप इनको फ्लैट के साथ नौकरी क्यों दोगे। तो मैंने उसको समझाया, या फिर मेरा ये मानना है कि सिर्फ इनको घर देना ही सोल्यूशन नहीं है इनकी गरीबी मिटाने के लिए, इनके साथ इनको अगर घर देना है तो उसके साथ एक नौकरी भी बहुत ज़रूरी है, जिससे इनकी पर कैपिटा इनकम बनी रहे और फिर आगे इनको कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी दिक्कत तो पर कैपिटा इनकम की है, अगर से पर कैपिटा इनकम सबकी बनी रहे तो इंडिया बहुत आगे बढ़ सकता है। एनीवेज, वी हैव रीच्ड इस्कॉन टेम्पल, आई विल जस्ट शो इट टू यू। इस्कॉन वृंदावन को श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। This temple was inaugurated in the year 1977. The deities of temple are Krishna and Balrama at the center altar. On the right altar are Radha Krishna with Gopi, Lalita and Vishakha. Krishna Balram Mandir enforces one of the highest standards of cleanliness and of deity worship in all of Vrindavan.
चलते रहो चलते रहो। ये जो मंत्र है ये हर एक फूल में यहाँ एक एक बारी पढ़ना है, पढ़ लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलना है, बोलते बोलते चलो। तो ये था वृंदावन का लास्ट स्टॉप हमारे लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी होली प्लेसेस है कि कवर करने के लिए अगर जाओ तो एटलीस्ट 3 to 4 days तो लग जाएंगे। और हाँ, एक और इस्कॉन टेम्पल में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सेल्फी लेना तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। मुझे तो उठा के भगा दिया इन्होंने नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट देन मेरे को मना करा था 2-3 बारी सेल्फी लेने के लिए, तो मैंने सेल्फी नहीं ली उसके बाद। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, होप यू हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस एवरीवन, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।